पता नहीं था पंजाब में मंडी बंद होगी। पता होता तो क्यों आंदे सर जी, जरूरी था। ठेकेदारों ने बताया किसी ने नहीं, कोई बातें नहीं हुई किसी के साथ। हरियाणा में कितनी बीमारी है जो पंजाब? हरियाणा में नहीं है जी बीमारी। हरियाणा जो बीमारी है बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। पुलिस भी आई थी, पुलिस ने क्या? हाँ, पुलिस लाठी चार्ज कर रही, मार रही, कूट रही, बजा रही है। मजबूरी 8000 रुपये गड्डी का भाड़ा लगता है, 4 गड्डियाँ आई हैं, 8 × 4 32000 रुपये तो हो गया जी, और नाना करते 40000 रुपये खर्चा हो जाऊ, 40000 थले आ जाएंगे डंगर ना बिके। पशुओं नूं हो रही लंपी स्किन बीमारी के कारण पंजाब अंदर पशु मंडियों उपर रोक लगा दी गई है। उधर ये दूजे पासे खन्ना च कुछ ठेकेदारां दे वल्लों गैर कानूनी तरीके दे नाल पशु मंडी लगा के ये बीमारी नूं होर फैलाउण वाला काम किया गया। अलोड़ इलाके च पशु मंडी लाई गई जिथे पंजाब तो इलावा हरियाणा उत्तर प्रदेश वर्गे राज्यों तो व्यापारी अपने पशु लेके आए। BDPO अते पुलिस ने इतों ठेकेदारां अते पशु व्यापारियों नूं उस समय भजा दिता गया। कहां से आए हो? सरसे से, हरियाणा से। क्या पता नहीं था पंजाब में मंडी बंद होगी? पता होता तो क्यों आंदे सर जी, जरूरी था। 15-20 हज़ार रुपये खर्चा करके आए, कल रात से भूखे प्यासे मरण लग रहे हैं। अब यहाँ कोई साधन नहीं है, ना पानी दे रहे हैं, ना तंबू दे रहे हैं, जो है डंडा और गंदे डंडा मारो, बजाओ, चढ़ाओ, ले जाओ। जब ये अलाउंस पहले भी कर सकते थे कि हाँ मंडियाँ बंद है भाई, कोई नहीं हो। आजकल तो मोबाइल का सिस्टम है, हर किसी के ने ये कह सकते थे कि हाँ मंडी ना हो भाई। ठेकेदारों ने बताया आप? किसी ने नहीं, कोई बातें नहीं हुई किसी के साथ में। नुकसान हुआ अब? नुकसान तो ज़्यादा नहीं था, 30-40 हज़ार का तो नुकसान आज का है ही है। तो हरियाणा में कितनी बीमारी है जो पंजाब? हरियाणा में नहीं है जी बीमारी। हरियाणा जो बीमारी है बिल्कुल नहीं है, 1% भी नहीं है। हमारी डेली मंडियाँ लग रही है, फतेहाबाद लग रही है, भादरा लग रही है। कोई पर्ची वगैरह तो नहीं काटेगी आज? नहीं, आज नहीं, कोई चीज नहीं। असी कहा था कि कोई 500 रुपये का है, जितने दिन दूरों व्यापारी आए हैं सारे, कोई 1000-1000 1500-1500 रुपये लियो तो असी देने के लिए तैयार है। मंडी लगन दो, इतनी दूरों माल लें भाई, यही बात हुई। वो कहने नहीं मंडी लगने नहीं देना। तो पुलिस भी आई थी, पुलिस ने क्या? हाँ, पुलिस लाठी चार्ज कर रही, मार रही, कूट रही, बजा रही है। किसको? सारे व्यापारियों ने। क्या बोल रही है पुलिस? ले जो माल चढ़ाओ, ले जो यहाँ से। लाठी चार्ज किस पर किया? कई बंदे पे किया। तो अब सभी व्यापारी वापस जा रहे हैं? नहीं, अभी तो हमारा लोग का जो हमारा है माल साफ सुथरा ताजा माल, कोई बीमारी नहीं। जो कट्टू फट्टू माल बिकते तो उनको बजाया हमारा करे। अभी हमारे लोग की तरफ तो कोई बात नहीं हुई। बाकी दो बारी आगे कि यहाँ ले जाओ, चढ़ाओ, ले जाओ। दूसरी सर से तो 8000 रुपये भाड़ा लगता है जी, तो 4 गड्डियाँ आई हैं जी। की नाम है जी? मेरा नाम अनिल कुमार है जी। कितों आए हो? सर से तो आए हैं। इतने परेशानी आई है जी, एक तो जी सवेरे कोई ना को तंबू लग्या जी, ना को मंजी मिली जी। तब तत्ते दोपहर धुप जने डंगर बन्ने जी, बाद च इन्हें रिक्वेस्ट करके तंबू लगवाए जी। उस तो बाद लवाए नवाए जी, उस तो बाद 8000 भाड़ा लगता इतों आ गए। पुलिस उपरू आ रही, कहते लैके जाओ डंगर वापसी जी। तो पंजाब के डिपार्टमेंट ने मंडियां बंद कर दी, तो क्यों लगन देंगे? देखो डिपार्टमेंट ने किया, पर बंद ने कुछ ध्यान रखना चाहिए। पिछली मंडी जिम्मे 5 वाली कुराली लग गई जी, उस तो भी धनौला लगी। सू कोई दसा नहीं गया मंडी बंद है कि 8 वाली बंद रहेगी ना रहेगी जी। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ ਮੰਡੀ ਬਾਰੇ ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ? ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਕੀ ਵੇਟ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦੇ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਜਬੂਰੀ 8000 ਰੁਪਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਭਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ, 4 ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ, 8 × 4 32000 ਰੁਪਏ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਨਾ ਕਰਦੇ 40000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜੂਗਾ, 40000 ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ ਡੰਗਰ ਨਾ ਵਿਕਦਾ ਜੀ। ਉਧਰ ਥਾਣਾ ਮੁਖੀ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। BDPO ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੰਪੀ ਸਕਿਨ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਮੰਡੀ ਹਟਾਉਣ ਆਏ ਹੋ ਇੱਥੇ ਜੀ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੁਕਮ ਤੱਕ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਭਰਾ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੰਡੀ ਨੂੰ, ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਲੱਗਣ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਮੰਡੀ ਇਹ ਬੰਦ ਰਹੂ। ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਜੇ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਫੇਰ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਜੀ, ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਤਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੱਜ ਚੁੱਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਡੰਗਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਜੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਉਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਮੰਡੀ ਖਾਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਮੱਝ ਇੱਥੇ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ? ਇਹ ਪਸ਼ੂ ਮੰਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਲੱਗ ਗਈ ਇੱਥੇ।
हुक्म सानू प्राप्त हो गया सी ते मंडी बारे पहला सानू पता नहीं सी कि इन्होंने प्राइवेट तौर पर लाई है तो जो सानू पता लग्या उदों ही प्रशासन वालों इन्हों इतों हटाया जा रहा सवेर का ठेकेदारा ने कोई इंटीमेट नहीं किया इन्हों देखो जल के सारे फोन भी ने कोई ठेकेदारा ने बुलाए ने पशु व्यापारी बुलाए ने यूपी तो बुलाए ने बिहार तो बुलाए ने जी तो उन्होंने खिलाफ कोई कार्रवाई होगी जी। हाँ जी पुलिस महकमा भी इतने आया हुआ है इन्हों हटा रहे हैं इतों तो बाद ठेकेदारा नाल गल करते हैं तो की हदायत की जा रही है इन्होंने जी इन्हों हदायत की जा रही है कि तू फटाफट अपने पशु जोड़े लेके जाए जा वापस तो ले जा रहे हैं ते कद तक जिहड़ी है मंडियां जिहड़ी नहीं लगन दित्ती जानी है जिहड़ी हैगी अगले हुक्मां तक सरकार वल्लों लैटर आया सर अगले हुक्मां तक क्योंकि स्किन दी जिहड़ी लंबी स्किन दी बीमारी फैली है उहदे करके ते पाबंदी लाई है सरकार वल्लों ते हुण जी जिहड़े व्यापारी ने तुहाडी गल मन के जा रहे ने जी वापस। हाँ जी जा रहे ने हौली हौली जा रहे ने थोड़ा जा रहे ने ते मैडम ठेकेदार दे विरुद्ध भी कार्रवाई होगी जिन्हें मंडी लवाई जिहड़ा इन्हां नूं अड्डी दूरों आके परेशानियां दा सामना करना बिल्कुल जी बिल्कुल होगी कार्रवाई बिल्कुल होगी। दसी कि पंजाब च कुछ पशु लगातार लंपी स्किन बीमारी के शिकार हो रहे हैं जिस नाल कई पशुओं की मौत हो जाने के मामले भी सामने आए हैं ते सरकार दे वल्लों पशु मंडियां ते रोक लगा दी गई है पर इसके बावजूद कुछ ठेकेदारा ने पशु मंडी लगाई इस गल की पिणक लगन सार BDPO पुलिस नूं नाल लेके मंडी च पहुंचे अते उन्होंने वल्लों मंडी खाली करवा दी गई। खन्ना तो कनविंदर सिंह ढिल्लों पंजाबी लोक चैनल।